ओवर टू यू जनाब कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन यहाँ आज आपकी मौजूदगी जो है वो हम सब के लिए बायस खुशी है, बायस फख्र है। और मैं और मेरे साथी सब आपको यहाँ पर खुश आमदीद कहते हैं, आपको वेलकम कहते हैं और खुशी महसूस करते हैं कि आप हमारे दरमियान यहाँ पर आज मौजूद हैं। हसन इकबाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने जो इब्तदाई कलमात कहे हैं और बड़े सही है, मुनासिब अल्फाज थे आपका, बहुत सही सोच है। तो बहुत अफसोस है जो शहबाज साहब के साथ कल सलूक किया गया है। और मैं यानी कि इस मामले में बहुत दुखी हूं, लेकिन इससे हमारा जज्बा और भी ज्यादा बुलंद होता है कि हम अपनी जदोजहद को और तेज करें, उसको और मुस्ताकम करें और उसको और मजबूत करें। तो जो सलूक इन्होंने हमारे बाकी साथियों के साथ किया है, जो आज मैं यहाँ पर स्क्रीन में जिनको देख भी रहा हूँ, तो मैं फर्दन फर्दन तो अब सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपको भी वो नजर आ रहे हैं चेहरे, मुझे भी आ रहे हैं। और जो इस वक्त ऑनलाइन है वो लोग अलहदा हैं, जो यहाँ मौजूद है मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन अगर उनमें से कोई है तो मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो जो सलूक उनके साथ भी इस हुकूमत ने किया है वो यकीनन बहुत ही दुख और अफसोस का बायस है, लेकिन हमें इस पे कोई मायूसी नहीं है। जो सलूक हम सब के साथ जो किया है, मैं अपनी बात तो करता नहीं हूँ, मैं जो हमारे बच्चों के साथ जो सलूक किया है मुझे उसका भी बड़ा दुख और अफसोस है। तो ये पहली बार ये सारे मनाजर ये हमें देखने में आ रहे हैं। और शहबाज साहब ने जिस स्टेडफास्ट होने का सबूत दिया है, जो जिस तरह से वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे मर्द बन के खड़े रहे हैं तमाम मुश्किलों के आगे, और उन्होंने सर नहीं झुकाया और ना ही उन्होंने अपना जो है वो हमारे बयानियों को अपना जो है ना वो कमजोर किया, बल्कि उसको और मजबूत करने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। तो मैं यकीनन अपने भाई पे बहुत फख्र करता हूँ और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये जुल्म की रात बहुत जल्द खत्म होगी और इंशाल्लाह अच्छा वक्त फिर वापस आएगा, हम सब के लिए आएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मैं बल्कि चाहता था कि मैं बल्कि आगाज ही इस बात से करूं, क्योंकि हम अपना जो है वो एक हमारा एक ऐसा मिशन है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उस मिशन की कामयाबी जो है ना वो पहले पहले स्टेप पे हमें अपने साथ जो है ना वो क्लियर होना पड़ेगा और हमें अपने अंदर अपने दिल के साथ अपने जमीर के साथ ये गुफ्तगु करनी पड़ेगी कि वाकईतन हम हक और सच पर हैं। ये हमें अपने आप से पहले पूछना चाहिए, ना आप मुझ पे जो है ना वो जबरदस्ती अपना मुझे कंट्रोल करने पे आप कुदरत रखते हैं, ना मैं कादरों के मैं आपके दिलों और दिमागों पे मैं कोई कंट्रोल करूं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें अपने आप से पहले ये पूछना चाहिए कि क्या हम हक और सच पर हैं। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये वो सब सही है, और इलेक्शनों में जो धांधली हुई है वो सही है, उसे हम अपना कबूल कर लें। आरटीएस बंद हुआ था तो तकदीर का फैसला समझ के उसे कबूल कर लें। धांधली की बाकायदा नशिस्तें हमारी आंखों के सामने है,
जो धांधली हुई है क्या उसको हम कबूल कर लें और मान लें कि जनाब ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो चलें जी फिर आगे बढ़ते हैं, इन चीजों का क्या हिसाब लेना है। आज आप किसी का हक छीन कर किसी और को दे देते हैं और किसी के हक से उसको महरूम करके किसी और की झोली भर देते हैं, तो क्या फिर हम इन सब चीजों को तस्लीम कर लें, कबूल कर लें, अपने जमीर को मार दें और कहेंगे जी ठीक है आगे बढ़ते हैं। जनाब ऐसा तो होता रहता है, 70 सालों में तो ऐसा होता रहा है, लेकिन क्या आइंदा भी फिर ऐसा होना चाहिए? मैं ये समझता हूं कि इसका फैसला हमें बिल्कुल अब दो टोक तरीके से करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो अदालतों पर जो इस वक्त दबाव है और दबाव डालकर मर्जी के फैसले लिए जाते हैं, तो क्या ये सब सही है? और आप इसके विटनेस हैं आप सब। हमें पता लगता रहता है कि कहाँ किस अपना अदालत में किस अपना जज ने क्या फैसला करना है। अनफॉर्चुनेट, इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि अदालतों को दबाव में लाया जाए और उनसे मनमाने फैसले लिए जाएं। उनको दीवार से लगा दिया गया है, ये सही है? पार्लियामेंट को एक कठपुतली और रबर स्टैंप पार्लियामेंट बना दिया गया है, इसको मान लें? और आप में से लोग मुझे बताते हैं, मैं तो पार्लियामेंट का मेंबर और मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों नहीं हूं आज मेंबर नहीं हूं। आज तक ऐसा कोई मौका नहीं आया कि मैं पार्लियामेंट, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पार्लियामेंट का मेंबर ना रहा हूं। अल्लाह के फजल करम से हमेशा अल्लाह ने कामयाबी दी है और कोई आसान है कि मैं अपना, अल्लाह ने मुझे हमेशा ये एजाज बख्शा है। आज पहली मरतबा मैं पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूँ, या मैं उस वक्त मेंबर नहीं था जब हम मुशरफ के जमाने में जो है वो एग्जाइल पे चले गए, तो उस वक्त भी नहीं था और आज भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया और निकल गया वज़ारत-ए-उज़्मा से कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। और ये है अदालतों का कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, चलें छुट्टी करें, जाएं वज़ारत-ए-उज़्मा से भी फारिग, उसके बाद फिर चलें वज़ारत-ए-उज़्मा से फारिग होने के बाद मुस्लिम लीग की सदारत से भी फारिग, सारे फारिग। ये क्या आपका दिलो दिमाग इस बात को तस्लीम करता है कि इसको, इन सब चीजों को मान लिया जाए? सियासत जो है वो इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मलूजे खातिर रख कर इंसान सियासत करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। तो अगर जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो चली जाए तो फिर कौन सी सियासत और कैसी सियासत? तो मैं तो समझता हूं कि ये आज सब चीजों को सोचने का ये दिन है। और मुझ जैसा आदमी जो 3 दफा अल्लाह ताला के फजलो करम से और आपकी मेहरबानियों से और आपकी दुआओं से और आपके तावुन से वजीर आजम बना मैं 3 दफा, तो उसके साथ ये सलूक हो रहा है कि उसको मुल्क से बाहर जो है वो रखा गया 1999 से लेके 2007 तक, और अब अपना जो अदालतों की इजाजत है मैं बाहर आया हूं, तो आज ही कोई अजीब और गरीब सा मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, बड़ी तकलीफ हुई है वो कमेंट्स पढ़ के, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तो अब वो आप भी सब जानते हैं, मैं अब उस पर क्या कमेंट करूं, लेकिन मुझे सा बंदा जो है जिसने पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की है दिलो जान के साथ, ये मेरे साथी आपके साथ बैठे हुए हैं, ये जिन्होंने मेरे साथ मिलके पाकिस्तान की बिजली को बहाल किया, पाकिस्तान की रोशनियों को बहाल किया, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को चलाया,
पाकिस्तान की तजारत को चलाया, घरों में बिजली लेकर आए और फिर किसानों के लिए ट्यूबवेल चलाए, बिजली जो जो नापैद हो चुकी थी उसको दोबारा लेकर आए, दिन रात काम किया, डैम बनवाए, बिजली के कारखाने लगवाए और फिर कहाँ कहाँ कारखाने नहीं लगे और इतनी स्पीड में। और मैं अपने भाई शहबाज शरीफ को भी सलूट करना चाहता हूँ कि जिसने माशाल्लाह दिन रात एक करके ये बिजली के कारखाने जो पंजाब में लगे हैं, इसका सेहरा शहबाज शरीफ के सर पर है और आप ये ख्वाजा आसिफ साहब के सर पे है और शायद खाकान अब्बासी के सर पे है और जो भी लोग इस टीम में शामिल थे उनके सर है। हर आप जानते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं डार साहब मेरे साथ, ये बैठे हुए हैं डार साहब, माशाल्लाह इनके सर पे है, इन्होंने इसके लिए वसाइल मुहैया किए। डार साहब भी जानते हैं, ख्वाजा आसिफ भी जानते हैं, शायद अब्बासी भी जानते हैं और अपना डार साहब और कौन से थे जो बड़े इस मामले में एक्टिव थे। और मैं उन सेक्रेटरियों को भी, सरकारी अफसरों को भी मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया इस मामले में कि हमने अपना यानी हर दूसरे तीसरे दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंगें होती थी और बिजली वापस लाने के लिए गैस को पाकिस्तान में जो है ना वो सप्लाई करने में मेरा ख्याल है कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर उसके बाद ये तो एक एक सेक्टर है ना, आप देख लें आज मोटरवेज पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद से पेशावर से लेके कराची तक सिर्फ एक बीच में हिस्सा रह गया है जो कि अपना है वहां से सखर से लेके हैदराबाद तक जो अभी रह गया है, वो भी शायद रह गया कि हमें टर्म ही नहीं किसी ने पूरी करने दी। हमारा टेन्योर जो है वो अपना जो है ना वो इसमें पूरा नहीं हो सका, वरना उसकी भी बुनियाद रख के हम जाते। तो आज जगह जगह पाकिस्तान पे आपको हाईवेज मोटरवेज नजर आती हैं और लोग कितने मुस्तफीद हो रहे हैं। तो इसमें माशाल्लाह हसन इकबाल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसकी सारी प्लानिंग की और फिर डार साहब का शुक्रिया जिन्होंने इसके लिए पैसे फराहम किए और फिर धरनों के बावजूद धरनों के बावजूद हमने वो सब कुछ अकम्प्लिश किया जो इस मुल्क की जरूरत थी। और फिर चार सालों में हम तकरीबन बहुत कुछ कर गए थे और फिर आप हमारी जो है वो ग्रोथ रेट आप देख लें, ग्रोथ रेट माशाल्लाह कितना बढ़ गया था और 5.8% पे जो है वो ग्रोथ रेट हम छोड़कर गए हैं जो कि आज नेगेटिव चला गया है। तो मैं ये समझता हूं कि ये क्या है, तो मैं ये समझता हूं कि आज अपना जो है वो अल्लाह के फजलो करम से जो है वो ये सब जानते हैं कि हमारी क्या खिदमात है इस मुल्क के लिए। दहशत गर्दी के खिलाफ हम जंग जीत कर गए और फिर पाकिस्तान को जो है वो ग्रे से हम वाइट में लेके आए फैटफ में और सब कुछ आपके सामने है, गिनवाने की क्या जरूरत है मुझे। लेकिन आज हजारा मोटरवे भी देख लें, सियालकोट लाहौर मोटरवे भी देख लें, आप अपना लाहौर मुल्तान मोटरवे भी देख लें, मुल्तान सक्कर मोटरवे भी देख लें, हैदराबाद कराची मोटरवे भी देख लें, बलोचिस्तान में हमारा बनी है, बलोचिस्तान के अंदर जो है अल्लाह के फजलो करम से हाईवेज हमने बनाई है, सिर्फ यानी पंजाब के अंदर नहीं बलोचिस्तान और फिर गवादर को कोयटा से हमने मिलाया है, ये कोई छोटा मंसूबा नहीं है। और बहुत सारी सड़कें बनाई हैं और अभी देखें ये जो डेरा इस्माइल खान से यानी इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान से ये कोयटा ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका काफी हिस्सा सोना बन भी चुका है। और फिर अपना जो है वो सिंध के अंदर से ये मोटरवे सारी गुजर रही है। हमारे तो बड़े बड़े मंसूबे थे जो
زیر تکمیل تھے اور بہت سارے آج شاید مکمل ہو چکے ہوتے، باقی بھی جو رہ گئے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں آدمی بھی سکھ کی زندگی گزار رہے تھے، پاکستانی سکھ کی زندگی گزار رہے تھے، لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، لوگوں کو اپنا جو ہے وہ ان کو چیزیں جو ہے روزمرہ کی وہ دستیاب تھیں، یعنی کہ کوئی مہنگائی نہیں تھی، مہنگائی کا کوئی ایشو نہیں تھا پاکستان میں. تو آج تو ان کا جینا دوبر ہو گیا ہے. تو یہ جو جدوجہد آپ جو کرنے کا جو ارادہ رکھتے ہیں وہ جو سب سے زیادہ اس کی جو ضرورت ہے وہ صرف اور صرف ان 21 کروڑ عوام کے لیے ہے، یا عوام کے لیے ہے جو جن کے دکھوں میں اور مشکلات میں آج بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جناب آج تو پاکستان کے اندر، یہ مجھے بہت ایک سمجھدار بندے نے یہ بات کہی ہے کہ آج کے زمانے میں جتنی کوئی لوگ کمائی کر رہے ہیں اس کمائی سے وہ نہ اس اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتے، اخراجات کے ساتھ ساتھ نہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، نہ وہ بجلی کا بل دے سکتے ہیں جو بم بن کے ان پہ گر رہا ہے، نہ وہ گیس کا بل دے سکتے ہیں، نہ وہ دوائیوں کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں. آج دوائیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. صرف لائف سے سیونگ دوائی جو ہے وہ بھی عوام کی پہنچ اور عوام کی رسائی سے باہر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا لوگ اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں، مجھے کوئی آج بتا دے کوئی. وہ کہنے لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج اچھی خاصی جو تنخواہ ہوتی ہے جو 30,000 روپے تک بھی ہوتی ہے، اس میں جو یہ سارے اخراجات جو ہے نا وہ پورے کرنے کے بعد جو کھانا اس نے پکانا ہوتا ہے اس کے لیے روٹی آٹے کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. آج تو میں پڑھ رہا تھا کہ اب آٹا جو ہے نا آگے ناپید ہونے والا ہے، گندم ہی نہیں باہر سے امپورٹ کی گئی. بھائی ایک زمانہ تھا ہمارا، بھائی گندم امپورٹ چھوڑ کر ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی، آج اپنا امپورٹ جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے. اس کے لیے بھی آپ کو زر مبادلہ چاہیے، اور یہ اب امپورٹ کر کے تو وقت پہ بھی نہیں اب آ سک رہی، تو شاید دسمبر میں قیمتیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی اور گندم کی کمی اس ملک کے اندر آ جائے گی. چینی کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، اور شہباز صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کی تعریف کرنی چاہیے جو انہوں نے انتہائی پریشر کے باوجود چینی کی قیمتیں نہیں بڑھنی تھی. ہم شاید 50 روپے کلو تھی جب ہم آئے تھے اور 50 روپے ہی ہم چھوڑ کے گئے، اور لیکن آج جب سے ہم چھوڑ کے گئے ہیں تو 50 سے آج 100 روپیہ کلو چینی ہو گئی. کوئی ہے پوچھنے والا مجھے بتائیں، کوئی دیکھنے والا ان چیزوں کا ہے؟ اور پھر میں نے آپ کو یہ پہلے کہا، میں نے کہا کہ پہلے تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ کیا ہم حق اور سچ پر ہیں. اگر ہم حق اور سچ پر ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہیزیٹیشن یا تحفظ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہوں. تو میں کیا پاکستان میں پوچھ رہا تھا کہ جو کچھ ہم ہو رہا ہے وہ صحیح ہے؟ اور الیکشنوں میں بات ہو رہی تھی کہ کیا الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ صحیح تھی، اس کو مان لیں ہم؟ میرا تو ضمیر اس کو قبول نہیں کرتا. اور میں اسی بات پہ میں نے کہا تھا کہ سیاست اور نو سیاست کوئی انسان کا ضمیر بھی ہوتا ہے، کوئی انسان کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. آج تو ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر آپ اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہیں، ہم کوئی فری سٹیزن تو نہیں ہیں آج. آپ پوچھیں اپنے آپ سے آپ ہیں؟ پوچھیں، ذرا پوچھ کے دیکھیں آپ، جس پارلیمنٹ کے ممبر ہم بنے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ کتنی خود مختار ہے. مجھے لوگوں سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ وہاں اس پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا ہے، وہاں پھر جو ہے نا وہ دوسرے لوگ ہیں جو آ کے یہ ڈائریکشنز دیتے ہیں کہ جناب آج ایجنڈا یہ ہوگا اور آج اس بل پہ
ये वोटिंग होगी और फलां कल ये होगा, कमेटी फलां बिल को मंजूर करे, फलां बिल को देखे। तो ये मैं सब जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत जो है ना वो है सोचने वाली बातें ये, कि हमने तो ये हमारी तो असेंबली भी अब माफ कीजिएगा कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमारी अदालतों का, आपने देख लिया हाल, जो मोहम्मद बशीर साहब की जो कोर्ट थी, वो कर्नल साहब वहां से निकल रहे हैं और वो उस शाबाश उस जर्नलिस्ट की, जिसने अपना उनसे पूछ लिया कि जनाब आप यहाँ क्या करने आए थे और आप यहाँ पर किसको मिले हैं और हमें भी इजाजत दे दें कि हम भी जज साहब को मिल सकें, और वो किताब से अपने वो मुंह छुपा रहा है अपना। क्या जरूरत थी छुपाने की, अगर दिल में चोर नहीं था? दिल में चोर था तो मुंह छुपाया ना, बात करने की जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सवाल सही पूछे जा रहे थे। तो इस तरह से जो क्या ये पे सही है? और फिर जो है वो मैं क्या याद कराऊं अब, जो ये मलिक अरशद साहब लिख गए हैं, जो कह गए हैं, एडमिट कर गए हैं कि मैंने अंडर प्रेशर जो है ना ये फैसला सुनाया है, और वो फैसला तो अपनी जगह पे अभी उस जज को तो फारिग कर दिया है, वो डिसमिस हो गया है, फैसला बरकरार है, उल्टी गंगा बह रही। और उसी फैसले पे मेरी बेल का मसला अटका हुआ है, अंदाजा कीजिए आप। और मेरी बेल भी उसी यानी कि जो जज डिसमिस हो गया है, जिसके बारे में सीनियर जुडिशरी ने ये कहा था कि हमारे सर शर्म से झुक गए हैं इस बंदे का जो किरदार है, तो उसी बंदे का फैसला कायम है, लेकिन आ, आ, लेकिन वो बंदा जा चुका है क्योंकि उसको सजा हो गई है और फैसला हमारे सर पे अभी तक लटक रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये अवाम को महंगाई से जो कुचल दिया है, क्या ये सही है? और उसके बाद ये मैं इस मामले में बिल्कुल जो है वो ये राय रखता हूँ कि सबका जो आपकी अपना जो DGI से ही थे, जहीरुल इस्लाम साहब, उन्होंने क्या किया आपको तो मालूम ही अच्छी तरह से, कि उन्होंने जनाब कहा कि जी नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफा दे दें, पैगाम भेजा और आप घर चले जाएं। और ये धरनों के दौरान की बात है, धरनों की उस पीरियड की बात है कि जी आई शुड स्टेप डाउन एंड गो होम। तो आप ये मुझे बताएं, ये सही है? मुझे आके ये पैगाम मिलता है इन द मिडल ऑफ द नाइट, तो और साथ में ये भी कि जी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नतायज भुगतने पड़ेंगे, माशाल्लाह भी लग जाएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा भी जो होना है वो हो जाए, आपने जो करना है वो कर लें, लेकिन मैं वो इस तरह से स्टेप डाउन करने वाला नहीं हूँ, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो मुझे आप बताइए, जरा सोचिए कि फिर ये क्या ये सब सही? और फिर इस मामले में माफ कीजिएगा, जरा दूसरा ये देखें कि यहाँ पे बयान दिया जाता है कि जर्नैल फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है और फौज जो है वो सियासत में कोई हिस्सा नहीं लेती, तो कोई मुदाखलत नहीं करती। तो फिर मौलाना गफूर हैदरी साहब ने जो कहा कि मुझे जनरल बाजवा ने बुलाया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि जी आप ये धरना बंद करें, हम जो नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहे हैं आप उसके मुदाखलत ना करें। फिर ये तो
कौन सी सियासत रहेगी जिसमें आप मुदाखलत नहीं कर रहे, और आप क्यों नवाज शरीफ के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं या कोई कार्रवाई कर रहे हैं, जरा मुझे पता लगना चाहिए इस बात का, तो क्यों कर रहे हैं? आपका आपका तो ये काम ही नहीं है, आपका तो ये पेशा ही नहीं है, तो आप यानी कि क्यों आपने फिर ये बात उनसे कही? और अगर आपने नहीं कही तो फिर आपने क्या उसकी कोई कॉन्ट्रडिक्शन दी है? आपने बताया कि आपने नहीं कही, तो ये पता लगना चाहिए ना कि दूसरी तरफ आप कहते हैं जी कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, और फिर आप दूसरी सियासत में क्या मुदाबी, मैं जजेस की बात कर रहा था, ये जस्टिस सदीकी साहब ने, शौकत सदीकी साहब ने, उन्होंने जनाब जो भरी महफिल में कहा है और बार के फंक्शन में कहा है कि, और हल्फ लेके कहा है कि मेरे पास DGISI आए थे और DGISI ने मुझे आके कहा कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ को आप रिहा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो हमारी तो फिर 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। ये लिखा हुआ है उन्होंने अपनी पिटिशन में जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भेजी है, मैंने अपनी आंखों से पढ़ी, और ये मैंने अपनी आंखों से कोर्ट लखपत जेल के अंदर इसको अच्छी तरह से पढ़ा था, रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन बात आज तक नहीं हुई, बात करने का मौका अब मिल रहा है, तो हमने भी बड़ा सब्र किया है, हमने बहुत जो है ना वो ये वक्त सब्र शुक्र के साथ गुजारा है, लेकिन फिर बात करने का एक वक्त आता है भाई, और फिर जो है ना वो एक वक्त आता है जब एक टर्निंग पॉइंट आता है, फिर तो वो टर्निंग पॉइंट अब आया, तो अब मैं समझता हूँ कि ये नाकाबिले कबूल चीजें हैं। आप मुझे बताएं कौन सी 2 साल की मेहनत है जो आपने की थी नवाज शरीफ के खिलाफ, जो आपने कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ को और मरियम को छोड़ दिया। इलेक्शन से पहले मुझे भी अंदर कर दिया, मरियम को भी अंदर कर दिया, इलेक्शन में धांधली कर दी, ये सब कुछ कौन कर रहा था? अभी तो शायद खान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, केयर टेकर गवर्नमेंट थी, केयर टेकर गवर्नमेंट कर रही थी या केयर टेकर गवर्नमेंट के पीछे कोई और कर रहा था? मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैंने कहा ये इन सब चीजों का एक दिन हिसाब देना पड़ेगा, और वो दिन आएगा, वो ज्यादा दूर भी नहीं है, देना पड़ेगा हिसाब, और हम अपना जो है वो एक गुलाम बन के जो है ना अपने मुल्क में अब नहीं रह सकते, और मैं गुलाम बन के रहने का मैं कायल नहीं हूं, इंशाल्लाह रहूंगा एक एक पाकिस्तानी बन के, काबले फखर पाकिस्तानी बन के इंशाल्लाह मैं इस तरह से जिंदगी गुजारूंगा, गुलामी मुझे कबूल नहीं है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो अगर ये सब कुछ सही है, हमें जो है ना वो आराम से चुप करके अपने घरों में बैठना चाहिए, हमें फिर पाकिस्तान के अवाम की खिदमत तो दूर की बात है, उसका नाम लेना भी छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर ये सब चीज़ें सही नहीं है और हमारा ना जहन ना दिल ना ज़मीर इसको कबूल करता है, तो फिर तो इसके खिलाफ उठना होगा, और मैं तो इसके खिलाफ उठने का फैसला कर चुका हूँ, और मैंने बिल्कुल दो टोक फैसला किया है कि अब ये जो जिल्लत की जिंदगी कम से कम हम नहीं जी सकते, और इंशाल्लाह इज्जत की जिंदगी जिएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें इज्जत की जिंदगी इंशाल्लाह जीने की तौफीक देगा, और वो इन एट्रोसिटीज के खिलाफ, इन ब्रूटैलिटीज के खिलाफ, इस जुल्मो तशद्दुद तिरीने के खिलाफ हम अपना जो है उठ खड़े हों, और ये मेरा ख्याल है कि अगर हम उठ खड़े होंगे
इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, इस कौम की तकदीर बदल जाएगी। ये कौम आज मुश्किलात का शिकार इसीलिए है, इस जुल्म और टिरनी का शिकार इसीलिए है, महंगाई का शिकार इसीलिए है, बेरोजगारी का शिकार इसीलिए है कि हम अपना जो है वो अपने इन फैसलों के खिलाफ खड़े नहीं होते और फिर कोई और इस तरह के फैसले करता और हम जुल्म तशद्दुद और जो है ना वो इन ज्यादतियों के और जुल्म के सामने जो है वो खड़े नहीं होते। तो अगर आज इस कौम ने खड़े होने का फैसला कर लिया तो आप ये कहीं नोट कर लें मेरी बात कि इंशाल्लाह ताला तब्दीली सालों में नहीं, चंद महीनों में और चंद हफ्तों में इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर आएगी और जरूर आएगी। ये अपना जो है वो इस बंदे को ले आए हैं सिलेक्टेड वजीर आजम को, तो सिलेक्टेड वजीर आजम जो है वो हक तो आपका था, ले उसको आए हैं। नाहल आदमी है, आता जाता कुछ नहीं है, पागल है और उसको पता ही नहीं है हुकूमत साजी, हुकूमत करना किसको कहते हैं, हुकूमत चलाना किसको कहते हैं, और उस बंदे को तो कोई इस शऊर ही नहीं है, तो खाली है उसका जहन। तो उस बंदे को ले आए हैं और अब पछता तो रहे होंगे कि लाए भी तो हम किस बंदे को लेके आए हैं, लेकिन अब आप लाए आप ही को जवाब देना होगा। इस बंदे को आपने जो है ना मुसल्लत कर दिया इस कौम के सर पर, तो कसूरवार तो सबसे बड़े आप हैं, तो ये बंदा तो कसूरवार है ही है, लेकिन उससे बड़े कसूरवार आप हैं और आपको ये जवाब देना होगा और हम जवाब लेंगे, हम जरूर लेंगे जवाब। ये मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो पीडीएम है उसका ये फैसला है और इस फैसले को हमने इम्प्लीमेंट करना है इंशाल्लाह, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने में, साल में ये होकर रहेगा, होकर रहेगा। तो शहबाज साहब को आप गिरफ्तार करते हैं, यानी देखें मैं भी इस बात की मैं इंतजार, शहबाज साहब को तो आप गिरफ्तार करते हैं और शहबाज साहब जो माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जद्दी कुश्ती, जो माशाल्लाह सनतकार फैमिली से इनका ताल्लुक है और वो अपना आज से नहीं है, 1937 से है। तो जब पाकिस्तान बना तो अल्लाह के फजल करम से अच्छी अच्छा भला सनत थी हमारी उस जमाने में, और पाकिस्तान के बनने के चंद सालों बाद 1972 के शुरू में जब जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत आई है तो पाकिस्तान में स्टील का सबसे बड़ा इदारा था, उसको नेशनलाइज किया। शहबाज साहब जो कि एक इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से हैं और माशाल्लाह उस जमाने में अल्लाह के फजल करम से हमारा जो कारोबार था 1972 में अरबों रुपए का कारोबार था, अरबों का, आप रिकॉर्ड की बात है, मैं गलत नहीं कह रहा, हजारों लोग थे जो काम करते थे हमारे फैक्ट्री में। तो उसको तो आपने पकड़ लिया कि आपके जराए जो हैं वो मैच नहीं करते आपके जो हैं वो उससे, आपके अखराजात सोर्सेस से आप मैच नहीं करते, तो भाई मुझे तो समझ नहीं आती कि क्यों नहीं मैच करते। तो आपने आसिफ सलीम बाजवा, जनरल आसिफ सलीम बाजवा, उसको तो आपने पकड़ा ही नहीं, पकड़ा आपने शहबाज शरीफ को लिया है, पकड़ना तो उसको चाहिए था आपको, जिसने पिछले 15-20 सालों में पता नहीं कहां से रिसोर्सेज करोड़ों रुपए अरबों रुपए के असासे बना लिए हैं आप, और वो भी मुल्क से बाहर बनाए हैं आपने असासे, पकड़े गए हैं और उस भी उस पे तो ये वजीर आजम जो सो कॉल्ड वजीर आजम है उसका इस्तीफा भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, और उसको क्लीन चिट दे दिए, सर्टिफिकेट दे दिया है, जैसे कि इन्होंने इमरान खान साहब ने जो है वो जो साकिब निसार साहब से क्लीन चिट हासिल की थी, इसको भी क्लीन चिट दे दी, मैं बनी गाला की बात करूं, और इसको उन्होंने आसिम सलीम बाजवा को क्लीन चिट दी है कि आप जी बहुत मोहतरम है, आप तो बिल्कुल सही है,
दयानतदार हैं, बहुत अच्छे हैं, लें बैठे हैं आप नहीं बाहर जा सकते, आप नहीं छोड़ सकते, और शहबाज साहब को पकड़ के अंदर कर दिया है। तो भाई इन इन चीजों को हम देख रहे हैं, रोज रोज देख रहे हैं, और फिर हम अपना जो है इसके बावजूद जो है वो जद्दोजहद नहीं करेंगे इस सारी नाइंसाफी को, बेइंसाफियों को बदलने में, इस सारे ज्यादती और जुल्म को खत्म करने में, इस सारे जो है वो ऐसे निजाम को जो कि अपना रिमोट कंट्रोल के जरिए से चलाया जा रहा हो और जो किसी की हक तलफी करके किसी और को बिठाया गया हो, तो मैं ही समझता हूँ कि इसके खिलाफ तो खड़ा होना, तो हमें तो हमारा कुरान भी यही हदायत करता है और फिर कहता है कि एक दफा जब आप बातिल के खिलाफ खड़े हो तो फिर पीछा नहीं दिखाना, फिर पीछा नहीं दिखाना। तो हम इंशाल्लाह फिर अब पीछा नहीं दिखाएंगे। मैं बिल्कुल जो है वो समझता हूँ, लेकिन के बाद हजरात शायद बहुत वजन नहीं उठा सकते, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर दिल थोड़ा बड़ा करके थोड़ा वक्त अगर मुश्किल अगर आती भी है उसको बर्दाश्त करके, तो अगर अपना किरदार अगर अदा करेंगे तो इंशाल्लाह इस कौम की तकदीर दिनों में बदल जाएगी, इन सब मुसीबतों से निजात मिल जाएगी, और ये जो गुलामी हमारी जो चल रही है ये गुलामी का दौर खत्म हो जाएगा, ये गुलामी खत्म हो जाएगी। ये मैं अल्लाह के फजल करम से दावे से कहता हूँ ये बात। सिर्फ थोड़ा सा अपने अंदर हौसला हमने पैदा करना है, अपने अजम के अंदर जो है वो मजबूती पैदा करनी है, और अगर हमने ये कर लिया तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह हालात तब्दील हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आज अपना जो है वो कल आपकी मीटिंग हुई है अपना वहां मीटिंग के हवाले से, अब अपना जो है वो और फिर जो फैसले जो हुए हैं हमारे एपीसी के अंदर, उन फैसलों को जो है वो अब हमें अमली जामा पहनाना चाहिए और उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए इन लेटर एंड स्पिरिट, और हमें हमारा इत्तेहाद जो है उसमें अगर कुछ अगर अभी अपना कुछ अगर ऐसी कोई है अपना जो कि जिनको थोड़ा सा हौसला देने की जरूरत है वो जरूर देना चाहिए, लेकिन मेरा मतलब कि जो इस वक्त पूरे पूरे हौसले और स्पिरिट में है उनको इंशाल्लाह आगे बढ़ना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमारी अपनी पार्टी को भी अपना किरदार खुद भी अदा करना चाहिए, एक तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भरपूर किरदार, एक अपने प्लेटफॉर्म से भरपूर किरदार, और माशाल्लाह हम भी अल्लाह ताला के फजल करम से इस काबिल है कि अपना खुद भी किरदार अदा कर सकते हैं जो कि इंशाल्लाह झोली पीडीएम की झोली में जाएगा। तो एक तो ये बात है, उसके लिए एक बाकायदा मेरा ख्याल है कि अब हमें आज बैठकर तो ज्यादा से ज्यादा कल तक अपना प्रोग्राम जो है वो तरतीब दे देना चाहिए, या अगर कोई प्रोग्राम आपके पास इस वक्त बन चुका हुआ तो आप बराए करम मुझे आगाह करें, और कल आपकी जो मीटिंग हुई है उसमें जो फैसले हुए हैं वो सब आपके सामने लेकर आए, और फिर आगे अब गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात भी आ रहे हैं, उसमें भी जो है ना वो हमें अब भरपूर तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शनों में हिस्सा लेना चाहिए और वहाँ हर तरह से ऐसे किसी भी हथकंडों का दफा करना चाहिए कि जो खुदा न खास्ता उस इलेक्शन के अंदर कोई अपना खुदा न खास्ता को हाथ दिखाने का कोई इरादा रखता हो तो उसको नाकाम करना चाहिए। तो मैं इन बातों के बाद मैं वापस माइक जो है आपको दूंगा, और मैं आपके साथ ही यहाँ पर मौजूद हूँ, आप बराए करम अब बताइए कि किस तरह से आप अपना हम पीडीएम को और पीएमएलएन को आगे आने वाले दिनों में क्या आपका प्लान है, और मैं इंशाल्लाह आज भी हूँ और इंशाल्लाह डेली बेसिस पे भी मैं
अवेलेबल हूँ, और इंशाल्लाह मैं मुझे जो भी अपना आप मेरी ड्यूटी लगाएंगे या मुझे मुझे अपना कोई फर्ज सौंपेंगे, मैं इंशाल्लाह उसको अदा करूँगा। और सबको बहुत बहुत शुक्रिया मुहैया, आपने बातें सुनी है। कल चूंकि CWC का भी इजलास है तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि हमें मिल के बैठ के तकरीबन यही बात करनी पड़ेगी। उसमें ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात हमें पहुँचानी चाहिए। हफीज़ रहमान साहब को मैं सामने देख रहा हूँ और मैं राजा फारूक हैदर साहब को भी देख रहा हूँ। आपको भी बहुत बहुत हफीज़ रहमान साहब सलाम, राजा साहब आपको भी सलाम, और हफीज़ रहमान साहब भी इस सिलसिले में कुछ हमें बताएंगे तो ज़रा हमारे इल्म में और इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिर इकबाल साहब, वापस आपकी तरफ माइक भेज रहा हूँ मैं।